रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव चोपड़ा ने जिम्मेदारी को सौंपने पर हाईकमान का आभार जताया है। हमीरपुर के होटल हमीर में पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जाएगा और पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हुए बूथ स्तर पर काम किया जाएगा। साथ ही राजीव चोपड़ा ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर जिला कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव चोपड़ा ने जिम्मेदारी को सौंपने पर हाईकमान का आभार जताया है। हमीरपुर के होटल हमीर में पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जाएगा और पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हुए बूथ स्तर पर काम किया जाएगा। साथ ही राजीव चोपड़ा ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष राजीव चोपड़ा ने कहा कि आज देश के सभी लोगों के पास राशन कार्ड आधार कार्ड है, लेकिन केंद्र सरकार को नागरिकता बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? इससे अच्छा होता कि केंद्र सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बनाते ताकि बेरोजगारी दूर हो पाती। और शीघ्र ही जिला के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करके जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी की नीतियों को गांव तक और बूथ स्तर तक ले जाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने की। एनआरसी की जरूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी? आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास आधार है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो एनआरसी की जरूरत क्यों महसूस की गई? मेरी सरकार से ये मांग रहेगी कि एनआरसी की जगह नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सरकार को बनाना चाहिए ताकि देश में बेरोजगारों की संख्या का सही पता चल पाए। कार्यक्रम है एक रात एक गांव, उसके ऊपर काम करेंगे। सिर्फ जिला तक सीमित नहीं रहेंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे और पार्टी हित को सर्वोपरि रखा जाएगा, व्यक्तिगत हित को नहीं रखा जाएगा। आज तक ये होता है कि लोगों ने खुद को मजबूत किया, पार्टी को मजबूत नहीं किया, उससे हटके काम किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील शर्मा ने प्याज की कीमतों पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्याज की कीमतें आसमान को छू रही है, लेकिन केंद्र सरकार कंट्रोल करने में नाकाम सिद्ध हुई है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जन विरोधी नीतियों का कांग्रेस पार्टी डटकर विरोध करती रहेगी। जिस व्यवस्था को लागू करने में सरकार नाकाम रहती है, प्रशासन नाकाम रहता है, मौतें होती हैं, देश जल रहा है और आप बंद कमरों में बैठ करके एक बार भी आप ये जवाब देने के लिए नहीं लोगों के बीच में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोदी के किसी भी रवैये को, जो तानाशाह रवैया है, उसका हम भरपूर विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो कानून व्यवस्था में कमी है, प्रशासन में कमी है, आपके कानून जो नए नए बनाए जा रहे हैं उनमें कमी है। तो कहने का मतलब है, प्याज की कीमत आप देख लीजिए, डीजल पेट्रोल की कीमत आप देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, कहीं भी जो देश को जोड़ने की व्यवस्था है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामयाब है। प्याज की कीमतों का उनके पास जवाब नहीं है। देश में कल और परसों क्या हुआ उसका उनके पास जवाब नहीं है। वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं और मुद्दों से लोगों को भटकाते रहते हैं और सत्ता का, मैं ये कहूँगा, ये सदुपयोग नहीं हो रहा है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। ये यकीनन है कि वो चुनाव जीते हैं, लेकिन जिन लोगों के दम से वो चुनाव जीते हैं उन लोगों की व्यवस्था, उन लोगों की सुविधा के लिए काम करें। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी, चाहे बेशक हम संख्या में कम हैं, लेकिन जहाँ भी हुआ हम विरोध करेंगे और लोगों की सेवा करते हुए विश्वास लेकर के वापस सत्ता में आकर के फिर देश की सेवा में काम करते रहेंगे। प्याज की कीमतों का उनके पास जवाब नहीं है। देश में कल और परसों क्या हुआ उसका उनके पास जवाब नहीं है। वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं और मुद्दों से लोगों को भटकाते रहते हैं और सत्ता का, मैं ये कहूँगा, ये सदुपयोग नहीं हो रहा है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। ये यकीनन है कि वो चुनाव जीते हैं, लेकिन जिन लोगों के दम से वो चुनाव जीते हैं उन लोगों की व्यवस्था, उन लोगों की सुविधा के लिए काम करें। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी, चाहे बेशक हम संख्या में कम हैं, लेकिन जहां भी हुआ
हम विरोध करेंगे और लोगों की सेवा करते हुए विश्वास लेकर के वापस सत्ता में आकर के फिर देश की सेवा में काम करते रहेंगे। और इसमें सत्ता का भी कोई बहुत योगदान या वो कोई बात नहीं है, लेकिन मोदी के किसी भी रवैये को, जो तानाशाह रवैया है, उसका हम भरपूर विरोध करेंगे।